कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां लगभग 50 परिवार के लोग रहते हैं। ये मौर्य परिवार के लोग हैं। इसी मौर्य परिवार में महादेव भाई रहते हैं, जिनका करीब 60 साल से अधिक के हैं। इनके अलावा इनकी पत्नी और भी तमाम लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन या कोई भी योजना का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या मेरे पास बहुत है यार भैया, समस्या मैं कहाँ तक कहूँगा कि लोग पहुँच नहीं पाते, अगर पहुँचते तो उनको मिलता नहीं। क्या आपको पेंशन मिलती है? ना ना ना। तो कभी आपने प्रधान से कहा? अरे मैं प्रधान से, विधायक से भी कहा, ब्लॉक प्रमुख से भी कहा, इतने सभी अधिकारियों से कह चुका, कोई सुनवाई नहीं। मैं अकेला करने वाला और थोड़ी सी खेती, इन साल खेती से मेरी बारिश बेकार हो गई, बारिश खेती बेकार हो गई। अब आगे क्या, अगर मुझे पेंशन सरकार से मिल जाए तो कुछ आड़ बन जाए थोड़ा से। हमका कुछ सरकारी से मिलना चाहिए, 60 साल की उम्र है, थोड़ी खेती है, सरकारी से कोई लाभ हमका नहीं ना, खेती में पूर नहीं हो रहा। मैं महेश कुमार ये चाहता हूँ कि मरदानपुर बर्जी गाँव में जो ये महादेव भाई, राजकुमारी जी और तमाम प्रकार के लोग हैं, इनको वृद्धा पेंशन के ये लोग हकदार हैं, इनको ये मिलना चाहिए, जिससे कि इनके स्थिति में थोड़ा सा सुधार आए। मैं देखने वाले सभी वीडियो दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि ये समस्या खंड विकास अधिकारी द्वारा दूर कराई जा सकती है। खंड विकास अधिकारी का नाम है जवाहरलाल सरोज, इनका नंबर है 9918775000। इस नंबर पर कॉल कर दबाव डालने में मेरी मदद करें। मैं महेश कुमार, मरदानपुर बर्जी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।